हेलो, वेलकम फ्रेंड माय चैनल ज्योति कैड। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, जो ये इस तरह की सरफेस बनी हुई है इस वाले पेंडेंट में, वो किस तरह से बनाई गई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पिक्चर को सेट करके रख रखा है, ठीक है। कर्व लाइन भी मैंने ड्रॉ कर रखी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, ये मैंने यहाँ से कर्व लाइन निकाली, पिक्चर को मैंने देखो हाइड करा। ये कर्व लाइन मैंने इस तरह से और ये इस तरह से। अभी मैं यहाँ से पिक्चर को शो करती हूँ, इसको मैंने लॉक किया। देखो, ये वाली कर्व लाइन मैंने यहाँ से और इसको बीच में से मैंने कट किया हुआ है। हाफ ये एक है और हाफ ये एक है, ठीक है। अब ये मैं एक बार इसको हाइड करती हूँ। ये वाली कर्व लाइन मैंने अलग से ड्रॉ कर रखी है। देखो, ये मैंने यहाँ से ड्रॉ कर रखी है और ये मैंने यहाँ से ड्रॉ कर रखी है। अब देखो, दोनों को एक साथ मैंने ऑन किया, पिक्चर को मैंने ये किया, ठीक है। तो ये कर्व लाइन मैंने इस तरह से ड्रॉ कर रखी है। ये यहाँ से मेरा अलग सरफेस बनेगा और यहाँ से मेरा अलग सरफेस बनेगा। अभी मैंने इसको अप डाउन कुछ नहीं किया, ये मेरी स्ट्रेट है। देखो, फ्रंट से ये कर्व लाइन मैंने स्ट्रेट ड्रॉ कर रखी है यहाँ से, ठीक है। अभी टॉप व्यू में आते हैं, एक बार पहले पिक्चर को मैंने अनहाइड किया, ठीक है। अभी देखो, जो फर्स्ट हम ये वाली सरफेस बनाएंगे, ठीक है। देखो, ये जो सरफेस है मेरी, ये किस तरह से है। देखो, ये यहाँ से मेरी डोम होगी, ठीक है। सेकंड जो है हमारे पास, ये यहाँ से नीचे से टेपर हो रही है। तो इस चीज को हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो पिक्चर को मैंने यहाँ पे हाइड किया, ठीक है। अभी मैंने यहाँ से सिंगल लाइन ली, यहाँ से ये वाला ओ स्नैप ऑन किया, ठीक है। यहाँ से मेरे को ये वाले जो है इसको मेरे को डोम रखना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया रीबिल्ड, इसको मैंने रीबिल्ड कर दिया यहाँ से 4 पॉइंट से। एक बात और, हमारे कर्व जितने प्रॉपर होंगे ना, हमारा डिजाइन उतना ही अच्छा बनेगा, ठीक है। यहाँ से मैंने पॉइंट्स ऑन किए और इनको मैंने यहाँ से पॉइंट देके अप करती हूँ। मैंने इसको 0.5 यहाँ से अप कर दिया, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ किए, दोबारा से मैंने इसको यहाँ पे रीबिल्ड और ओके कर दिया, ठीक है। अभी देखो, यहाँ से हम कर्व नेटवर्क से सरफेस बना देंगे, ठीक है। अभी देखो, हमारे पास ये कमांड है सरफेस फ्रॉम नेटवर्क ऑफ कर्व, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको सिलेक्ट किया और एंटर किया और ओके कर दिया, ठीक है। देखो, ये सरफेस मेरी बन गई यहाँ से। अभी मैं इसको भी दिखा देती हूँ, इसको मैंने यहाँ से शेडेड किया। देखो, अभी इसको मैंने, अभी देखो, इसको मैं एक काम करती हूँ, इसको मैंने यहाँ से ये वाला कलर दिया और इसको मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया, ठीक है। अभी हम ये वाली सरफेस देखेंगे। देखो, मैंने पिक्चर को ऑन किया, ये यहाँ से मेरी नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। पिक्चर को देखो, मैंने ऑफ किया। इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैंने यहाँ से डाउन लिया, -0.5 डाउन, इसको मैंने नीचे ले लिया। देखो, फ्रंट व्यू से मैंने इसको नीचे ले लिया -0.5, ठीक है। सेम यहाँ से भी इसी तरह से मेरी सरफेस बन रही है, तो इसको भी मैंने यहाँ से -0.5 डाउन ले लिया, ठीक है। अभी देखो, अभी मैं यहाँ से अगर रेड वाली कर्व भी हाइड करती हूँ, ताकि ये आपको ठीक से समझ में आए, ठीक है। इसके मैंने यहाँ से पॉइंट्स ऑन किए, ठीक है। ये वाला पॉइंट्स मैंने यहाँ से मूव किया इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। अभी पहले एक पॉइंट करते हैं और इसको मैं यहाँ से प्रॉपर शेप दूंगी। इसको मैंने यहाँ से अप किया, ये मेरा ऐसे ही होना चाहिए कि अच्छा लगना चाहिए। देखो, इस तरह से
इसको भी मेरे को थोड़ा सा अगर लाइट सा अप करना है तो अप किया मैंने, इसको मैंने अप किया, देखो पॉइंट्स ऑफ किए, दोबारा से मैंने इसको यहाँ पे रीबिल्ड किया 6 पॉइंट से और ओके कर दिया। ठीक है, आपको शेप देखनी है किस तरह से आ रही है। ठीक है, सेम इसको भी मैंने, ये मेरा यहाँ से अप जा रहा और यहाँ से डाउन। ठीक है, इसके भी मैंने यहाँ से पॉइंट्स ऑन कर लेने हैं, इसको भी मैंने यहाँ से कर दिया मूव इस पे। ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ से प्रॉपर शेप देनी है इस तरह से, देखो और लाइट सा अप किया, पॉइंट्स ऑफ किए, यहाँ से मैंने इसको दोबारा से रीबिल्ड कर दिया। ठीक है, अभी रेड वाले कर ऑन करें, देखो मेरा यहाँ से प्रॉपर इस लाइन से ये जो चीज ब्लू वाला कर पूरा टच हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से भी मैंने इसको एक दूसरे के अंदर बिल्कुल मर्ज करके लिया है। ठीक है, ताकि यहाँ से हमारी सरफेस अलग अलग ना दिखे। देखो ये पूरा प्रॉपर यहाँ से लाइन को टच कर रहा है, ये वाली कर्व लाइन भी और ये वाली कर्व लाइन भी। ठीक है, ये सरफेस हमने बना ली थी, अब ये वाले बनाएंगे। इसको हम स्विफ्ट टू से इजीली बना लेंगे। यहाँ से मैंने, ठीक है, इसको मैंने किया यहाँ से स्विफ्ट टू दिस दिस दिस। अगर यहाँ से फिर भी अगर कर्व सीधा ना आए तो हम यहाँ से एड स्लाइसेस करके भी कर सकते हैं, बाकी ये हमारा प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने वापिस से यहाँ से प्लास्टिक कर दिया। ठीक है, अभी इस वाली को भी मैंने ऑन किया, इसको भी मैंने यहाँ से ग्रीन ही कलर दिया। देखो बन गई उसी तरह से सरफेस ये हमारी। अभी मैंने पिक्चर को ऑन किया, ये सरफेस देखेंगे ये किस तरह से है, ये बिल्कुल लाइट सी लाइट सा ही डूम है। ठीक है, इसको हम ज्यादा डूम नहीं करेंगे, इसको हम लाइट सा ही डूम रखेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने हाइड किया, यहाँ से मैंने वापस से सिंगल लाइन ली, इसको मैं से इसको मैंने किया रीबिल्ड 4 पॉइंट से पॉइंट किए, और यहाँ से मैंने इसको पॉइंट 2 अप किया, बस लाइट सा ही अप रखेंगे इसको हम, पॉइंट्स ऑफ करके देखते हैं एक बार। बिल्कुल लाइट सा अप है ये मेरा, इसको भी हम कर्व नेटवर्क से ही बना लेंगे। ठीक है, यहां से मैं गई सरफेस फ्रॉम नेटवर्क ऑफ कर्व दिस कर्व दिस कर्व दिस कर्व एंटर ओके। ठीक है, अभी इसको भी हम इसको हम स्विफ्ट टू से बना लेंगे। ठीक है, स्विफ्ट टू दिस दिस दिस, इसमें हम एड स्लाइसेस कर सकते हैं यहाँ से। एंटर ओके। ठीक है, अभी देखो अभी ये वाली चीज देखेंगे हम। देखो ये हमारी यहाँ से डूम हो रही है। ठीक है, अभी इसको मैंने हाइड किया, यहाँ से यहाँ पे भी एड कर सकते हैं, इसको मैंने किया यहाँ से रीबिल्ड ओके, पॉइंट्स ऑन किए, इसको भी मैंने यहाँ से 0.5 अप किया और रीबिल्ड ओके। यहाँ से मैंने यूजर कलर ये रखा। ठीक है,
और ये ग्रीन वाली सरफेस को मैंने हाइड कर दिया, ठीक है। अभी देखो इसको हम लाइट सा यहाँ से नीचे लेंगे ताकि ये इसके ऊपर उठा हुआ ना आए। इसके मैंने पॉइंट्स ऑन किए, मैं पॉइंट्स बढ़ा देती हूँ। इसको मैंने यहाँ से रीबिल्ड किया 4 पॉइंट से, इसको भी मैंने पॉइंट्स ऑन किए और इसके भी पॉइंट्स ऑन किए, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से किया माइनस 0.3 डाउन, ठीक है। ये डूम होएगा ना ये वाली चीज भी, तो ये इसे ऊपर ना उठे, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया यहाँ से माइनस 0.1 डाउन, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ किए, दोबारा से इसको मैंने यहाँ से रीबिल्ड और इसको भी रीबिल्ड, ठीक है। अभी इसको मैंने यहाँ पे शो किया, ठीक है। अभी देखो, अब मैंने यहाँ से किया स्वीप टू दिस दिस दिस। देखो ये इसके नीचे आया है, इसको भी मैंने यहाँ से ग्रीन कलर दे दिया, ठीक है। अभी देखो, अभी इन सब को हम यहाँ से हाइट दे देंगे, ठीक है। एक बारी मैं पिक्चर शो करती हूँ, देखो टॉप व्यू में इसको मैंने यहाँ पे रखा, देखो प्रॉपर है हमारे कर्व। वापिस से कंट्रोल जेड और इसको मैंने यहाँ पे हाइड कर लिया, ठीक है। अभी देखो इसको मैंने यहाँ से किया हाइट दी, यहाँ से मैंने मेटल कलर ग्रीन ही रखा नीचे की ओर, माइनस 3.5 एंटर। हाइट मैंने ज्यादा लिया क्योंकि इसको नीचे से हम एक साथ कट करेंगे ताकि ये हमारा पूरा फ्लैट आए। सेम इसको भी एंटर और सेम इसको भी एंटर। यहाँ पे ऊपर हमारा एक सरफेस बस गया, पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसको मैंने यहाँ से ये वाला कलर दिया और हाइड कर दिया, ठीक है। अभी देखो, अभी इसको हम यहाँ पे ऑफसेट सरफेस करेंगे 3.5 एंटर एंटर, ठीक है। और इसको भी, ठीक है। अभी देखो, अभी ये हमारे ऊपर नीचे आए हैं ना, मैंने हाइट इसलिए ज्यादा लिया है। इसको हम प्लेनर कर्व से कट कर लेंगे, हमें जितनी यहाँ पे हाइट चाहिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ से फ्रंट व्यू में आएंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने ये ऑन किया, ठीक है। अभी यहाँ से हमारी हाइट है 1, 2, 3, मैं यहाँ से इसकी 2 mm ही हाइट रखूंगी, ठीक। कट प्लेन, ठीक है। अभी वो मेरे से पूछ रहा है कि हमें कौन से ऑब्जेक्ट को कट करना है, ठीक है। इसको 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 यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। अभी जहां से जहां तक हमें कट करना है ना, वहां से लाइन लगा लेनी है, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको 2 mm रखना है, यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक मैंने लाइन लगा ली और राइट क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी देखो ये हमारे पास एक सरफेस आ गया, ठीक है। अभी मैंने इसको किया ऑफसेट सरफेस नीचे की ओर एंटर, ठीक है। चाहो तो मैं इसका कलर यहाँ से रेड कर दूं, ठीक है। अभी देखो पूरा मैंने ग्रीन कलर को सिलेक्ट किया और इसको मैंने कर दिया बूलियन डिफरेंस रेड कलर के साथ। अभी देखो ये हमारा बिल्कुल फ्लैट आया यहाँ से, देखो जितनी हाइट रखनी है उतनी रख लेंगे हम, और कम करनी है बढ़ानी घटानी है तो हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म में हमारे पास है सॉलिड पॉइंट्स ऑन, इससे हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो टॉप व्यू में
से मैंने इसको कर दिया वायर फ्रेम, इसको पिक्चर को सॉरी ये यहाँ से मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ से ये कट करना है। ठीक है, पहले तो मैं ये कर्व सिलेक्ट करूंगी और मैंने यहाँ से इसका ऑफसेट लिया 0.5 एंटर, से भी रेड वाली कर्व सिलेक्ट की और ऑफसेट ले लिया मैंने 0.5। ठीक है, अभी देखो इस वाले को मैंने ये कलर दिया और सॉरी इस वाले को मैंने ये कलर दिया और हाइड कर दिया। ठीक है, अभी देखो यहाँ से मैंने इसका ऑफसेट ले लिया था। ठीक है, 0.5 टॉप व्यू में आई, मैंने यहाँ से पिक्चर को शो किया, ये यहाँ से मैंने कोलेट पहले ही बना रखा है, इसको मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया। ठीक है, पिक्चर को शो किया, देखो मैं मुझे यहाँ से यहाँ तक कट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से सिंगल लाइन ले ली, यहाँ से यहाँ तक कट करना है। ठीक है, और यहाँ से और यहाँ तक कट करना। ठीक है, अभी पिक्चर को मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है, अभी दोनों ग्रीन लाइन सिलेक्ट की, इसको सिलेक्ट किया, यहां से मैं इसको कर दूंगी ट्रिम, ये वाला कर्व है। क्या ये आ गया मेरे पास, यहां से मैं स्विफ्ट टू से सरफेस बना लूंगी। मैंने किया यहाँ से स्विफ्ट टू, दिस कर्व एंटर, ओके। ठीक है, इसका कलर मैंने यहाँ से ये वाला कर दिया। ठीक है, अभी इसको मैंने यहाँ से किया ऑफसेट सरफेस, यहाँ से मैं इसको बोथ साइड यस करूंगी। मैंने यहाँ से बाउंड्री 0.5 की छोड़ दी है, तो मैं इसको 0.5 ही कट करूंगी, 0.5 एंटर एंटर। ठीक है, ये आ गया मेरा, अभी इसको मैंने शो किया यहाँ से। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया और इसके साथ मैंने इसको बुलियन डिफरेंस कर दिया। ठीक है, ये कट हो गया, इसके साथ भी मैं एक साथ ही कर लूंगी, इसको भी सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको गोल्डन डिफरेंस कर दिया। ठीक है, ये देखो दोनों के साथ कट हो गया, इसको मैंने यहाँ से ग्रीन वाला ही कलर दे दिया। डायमंड भी मैंने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, मैं आपको शो करके दिखा देती हूँ। देखो यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर्व किए और सबको मैंने यहाँ पे हाइड किया। ठीक है, और पिक्चर को देखो मैंने शो किया और पिक्चर को मैंने यहाँ पे रखा। देखो देखो जैसे हम इसकी स्कूपिंग भी कर सकते हैं मेटल वेट के हिसाब से। भाई यहाँ पे आपको डायमंड भी रख के दिखा देती हूँ कैसा लुक आएगा। देखो डायमंड भी रख लिया मैंने यहाँ पे, देखो इसको हम स्कोपिंग कर देंगे और यहाँ पे के कटर्स कर देंगे। तो वीडियो का मेन टॉपिक था वो यही था कि ये इस तरह से सरफेस कैसे बनाई हुई है